नमस्कार दोस्तों, आप दोस्तों देख सकते हो, आपके लिए शेयर लेकर के आया हूँ। दोस्तों ये एक और शेयर जो कि देखने को मिला है, आज की इस शेयर में गिरावट देखने को मिली है, जो कि क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी शेयर का नाम देखने को मिल रहा है और केमिकल्स कंपनी से रिलेटेड यह शेयर काम करता है, जो कि केमिकल्स से रिलेटेड यह शेयर काम करता है दोस्तों। और इस शेयर की आज की गिरावट देखने को मिली है, जो कि एवरेज वैल्यू के हिसाब से, चार्ट वैल्यू के हिसाब से आप दोस्तों देख सकते हो, 9 रुपए 20 पैसे इस प्रति शेयर पर माइनस में देखने को मिल रहे हैं। लाल कलर में आप दोस्तों देख सकते हो, स्पष्ट 0.67% प्रति शेयर पर गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों। दोस्तों शेयर की जानकारी लेते हैं, उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको और अच्छे अच्छे लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलेंगे। और दोस्तों वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा प्लीज, आपसे निवेदन है। और दोस्तों आप दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पे एक शेयर अच्छा खासा अपने को प्रॉफिट की तरफ देखने को मिल रहा था सुबह, जब इस शेयर ने वहां से एक लो के ब्रेक किया, जैसे धीरे धीरे शेयर को लो ब्रेक किया 288 पर देखने को मिला, जैसे धीरे धीरे वहां से एक शेयर पूरा एकदम से गिरा और अपने को 1372 पर जाके टक दिया। लेकिन यहाँ से अच्छी मोमेंटम देखने को मिली थी और 1374 से 1385 87 90 पर शेयर ने लाकर रख दिया था, लेकिन यहाँ से फिर से इसने को शेयर नो टिका नहीं और फिर भी गिर गया। तो दोस्तों आप दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पे सेलर्स ज्यादा देखने को मिले, जिसकी वजह शेयर ज्यादा गिरने की संभावनाएं बनती हुई देखने को मिल रही हैं प्रति शेयर में। लेकिन आप अगर छोटा प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो आप इस तरह से कैंडलस्टिक पैटर्न में भी और लाइन बाय लाइन में भी आप देख सकते हैं कि इस तरह से प्रॉफिट आप ले सकते हैं। जब भी कोई शेयर गिरा हुआ हो तो वहां से आप उसको थोड़ा खरीदते हैं तो उसको आपको अच्छा खासा वहां पे रिटर्न मिल सकता है, लेकिन उसमें आपको शेयर की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा लेनी पड़ेगी। दोस्तों बात कर लेते एक सप्ताह की, तो एक सप्ताह के हिसाब से शेयर ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पे ये वाला शेयर अब में इसने मूव नहीं किया, 1390 ऊपर शेयर नहीं गया, जिसकी वजह से अगर ये ऊपर जाता तो अपने को यहाँ पे शेयर 1400 के आसपास देखने को मिल सकता था। अभी ये शेयर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अगर 1370 से फिर धीरे धीरे नीचे आता है ज्यादा तो अपने को और भी नीचे के ब्रेकआउट देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। तो ये शेयर आप दोस्तों देख सकते हैं, एक सप्ताह से हिसाब से शेयर ने 32 रुपए प्रति शेयर पर गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि 2.31% प्रति शेयर का बनता हुआ देखने को मिल रहा है। दोस्तों एक महीने के हिसाब से शेयर प्रॉफिटेबल देखने को मिल रहा है, जो कि 4 से 5% प्रति शेयर पर देखने को मिल रहा है, जो कि 98 रुपए प्रति शेयर पर देखने को मिल रहा है दोस्तों। लेकिन अभी दोस्तों शेयर की आप दोस्तों चार्ट के हिसाब से देख सकते हैं, तो धीरे धीरे चार्ट नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है। तो अगर आप शेयर में दोस्तों शेयर्स बाय कर रहे हैं तो प्रॉफिट का अनुमान कम लगा सकते हैं, धीरे धीरे शेयर नीचे आने की संभावना देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों अगर आप इस शेयर में शॉर्ट सेलिंग वगैरह कुछ कर रहे हैं तो जिसकी वजह से शेयर ज्यादा और गिर सकता है। दोस्तों शॉर्ट सेलिंग तभी करें तो वो जब वो आपको प्रॉफिटेबल दिखे। दोस्तों यहाँ पे शेयर क्या होता है कि सबसे ऊपर जाने की संभावना ज्यादा शेयर की बनती हुई देखने को मिलती है, क्योंकि आप दोस्तों देख सकते हो ऑल टाइम के हिसाब से यह शेयर यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिटेबल था, अब धीरे धीरे शेयर नीचे आने की तरफ देखने को मिल रहा है दोस्तों। और दोस्तों अभी वनडे के हिसाब से शेयर की टुडेज लो इस शेयर का 1371 रुपए देखने को मिल रहा है दोस्तों, और टुडेज हाई इस शेयर का देखने को मिल रहा है, जो कि 1393 रुपए देखने को मिल रहा है दोस्तों। वॉल्यूम की बात करें तो शेयर में 1,14,919 शेयर की वॉल्यूम देखने को मिल रही है, और अपर सर्किट की और लोअर सर्किट भी आप दोस्तों देख सकते हैं, जो कि इस शेयर का लोअर सर्किट 1,107 रुपए देखने को मिल रहा है और 1661 शेयर का अपर सर्किट देखने को मिल रहा है, और 52 सप्ताह का लो आप दोस्तों देख सकते हैं, जो कि 1227 रुपए देखने को मिल रहा है, और 52 सप्ताह का हाई शेयर का 1980 रुपए देखने को मिल रहा है दोस्तों। और इसमें बाइंग से आप दोस्तों देख सकते हो, जो कि 60% बाइंग से होल्डिंग 30 और सेलिंग 10% देखने को मिलती रही है। कंपनी अच्छी है दोस्तों, लेकिन अभी के हालात में शेयर प्रॉफिटेबल एक महीने के हिसाब से प्रॉफिटेबल में लग सकते हैं, लेकिन एक साल के हिसाब से मैं आपको रिकमेंडेड शेयर को नहीं करता हूं। और दोस्तों अगर आप इस बाजार में निवेश करते हैं तो अपने खुद के एनालिसिस भी करें, सलाहकार से सलाह लेकर ही बाजार में निवेश करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत।